नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका की ब्लड डोनेशन सोसाइटी द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाया गया। फाजिलका के सिविल अस्पताल में यह रक्तदान शिविर लगाया गया। बब्बू सब्बरवाल के जन्मदिन पर यह आयोजन किया गया है। सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ व अन्य कार्यक्रमों पर ऐसे शिविर लगाए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी 75 यूनिट रक्तदान करके सोसाइटी द्वारा ब्लड बैंक की सहायता की गई थी। फाजिलका में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड डोनेशन सोसाइटी द्वारा समय समय पर ऐसे प्रयास किए जाते रहते हैं। ब्लड डोनेशन सोसाइटी के प्रधान कृष्ण तनेजा ने बताया कि उनकी सोसाइटी द्वारा पिछले समय में कई रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड बैंक के सहयोग से शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि फाजिलका के युवाओं में रक्तदान की अलख को जगाने के लिए उनके द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं में रक्तदान की जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष रूप से मुहिम चलाने की बात कही। फाजिलका में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ब्लड डोनेशन सोसाइटी द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया है। सोसाइटी के प्रधान कृष्ण तनेजा के नेतृत्व में यह शिविर यहां पर लगाया गया। बंटी पटवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही डॉक्टर अजय ग्रोवर भी यहां पर मौजूद रहे। फाजिलका के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में यह शिविर आयोजित किया गया। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बंटी पटवारी जो कि फाजिलका ब्लड डोनेशन सोसाइटी ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, एक बहुत ही वधिया एक उपराला है, तो शलाघा योग काम है। तो खून दे नाल कोई भी कमजोरी नहीं आती गी, तो बहुत वधिया शरीर तंदुरुस्त स्वस्थ रहिंदा है। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मैं सारे नूं वधाई देना ते धन्यवाद। ब्लड डोनेशन कैंप जिहड़ा लगाया गया है, साढ़े मैंबर है बबलू सब्बरवाल जी, उन्होंने बर्थडे के उपलक्ष्य से लगाया गया। साढ़े वालों हर साल लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, किसी के भी बरसी हो, बर्थडे हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो, हर कोई अपनी खुशी का कैंप लगाता है। युवा वर्ग को अगे आना चाहिए है ब्लड डोनेशन करने वास्ते। लेडीज अक्सर डरदियां ने ब्लड डोनेट करन तो, क्योंकि उन्होंने ये लगता है कि इन्हें पावर घट जाती है, इन्हें कमजोरी आती है, बट ऐसी कोई गल नहीं हुई। जेकर एक लेडी का ब्लड 10 ग्राम तो ज़्यादा है तो खूनदान कर सकती है, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किस तरह का कैंप से बारे जानकारी? ये जो सोसाइटी वालों अज जो कैंप लगाया गया, ये साढ़े सोसाइटी के जोड़े सक्रिय सदस्य बबलू सब्बरवाल उसके जन्मदिन की खुशी के कैंप लगाया गया। और सोसाइटी वालों समय समय से किसी की जो जन्मदिन है या शादी की सालगिरह या किसी की याद में या एमरजेंसी के जो असी खूनदान करते हैं या कैंप लगाते हैं, उस लड़ी के तहत ये कैंप लगाया गया। कितना यह कैंप है तुहाडा और किस तरह नाल यह कैंप ऑर्गेनाइज तुहाडे वालों किया जाता है? ये साल जिहड़ा साडा तीजा कैंप है इस साल और कोविड के दौरान असी 73 यूनिट जिहड़ा ब्लड डोनेट इतने ब्लड बैंक डोनेट किया। और साहब की कहोगे ब्लड डोनेशन कैंप नूं लैके? ब्लड डोनेशन कैंप तो ये सोसाइटी के बारे में तो यही कहाँगा कि कृष्ण तनेजा सोसाइटी जान है, इन्होंने इमेज ऑलरेडी दिल्ली से इस बनाई सी। ही वॉज द यू नो फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, सैकटरी से मैं प्रेजिडेंट सी। इन्होंने एफर्ट्स जज तक इन साल हो गया, 22-23 साल हो गया, पर सारा जो क्रेडिट है इस गल का बोर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सारा यही अरेंज करते रहेंगे। बाकी तुम दस जो किसी का बर्थडे, किसी मैरिज एनिवर्सरी, किसी का जो भी होंगे मैंबर डिफरेंट वे सेलीब्रेट करते, इस वन ऑफ द बेस्ट वे है कि किसी को जान देती जाए, किसी को ब्लड देता जाए, तो इक्वल थिंग है। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨਦਾਨੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ